वैसे तो समाज में किन्नरों को है दृष्टि से देखा जाता है, किंतु जब सवाल पैसे कमाने का एवं रोजी रोटी का हो तो लोग किन्नर बनने में समय नहीं लगाते हैं। एक ऐसा ही मामला उस समय सामने आया जब असली किन्नरों ने नकली किन्नर के एक ग्रुप को उस समय दर दबोचा जब वह किन्नर का रूप धारण कर रहे थे। मौके पर पहुंचकर असली किन्नरों ने इनका किन्नरों वाला वेशभूषा उतरवाया तो पता चला कि यह तो अच्छे खासे पुरुष हैं, जो कि नकली किन्नर बनकर जनपद के विभिन्न स्थानों पर बधाई आदि माध्यम से किन्नरों के नाम पर वसूली करते हैं। नकली किन्नरों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपने असली नाम बताते हुए बताया कि किसी ने उन्हें आश्वासन दे रखा है कि यह इनका इलाका है, जैसे चाहे वह कर सकते हैं। इसके साथ ही एक टेम्पो चालक भी सेलेक्ट मिला। हालांकि माहौल को बिगड़ता देख सभी किन्नर वहां पर पकड़े गए और उन्होंने बताया कि वह केवल अपना टेम्पो चलाता है, यह लोग उसके टेम्पो को हायर करते हैं और जगह जगह बधाई मांगते फिरते हैं। ऐसे ही में असली किन्नरों की ओर से सोनम किन्नर ने मौके पर पहुंचकर उन्हें धमकाया और भविष्य में कभी भी किन्नर का वेश धारण कर इस तरह की उगाही न करने की चेतावनी देते हुए प्यार से घर भेज दिया। सोनम किन्नर ने कहा कि इन फर्जी किन्नरों की वजह से उनकी छवि में दिनों दिन धूमिल होती जा रही है। यह लोग उगाही के नाम पर लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं और उन्हें बदनामी किन्नरों को मिलती है। क्या था यह पूरा मामला, किस तरह से यह नकली किन्नर जगह जगह जाकर पैसे वसूलते थे, आइए खुद ही इनकी मुंह जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है? दिनेश। रहते कहाँ हो? दाऊजी। तो क्या करने पकड़े गए हो आज? क्या करते पकड़े गए हो आप? डोली बजाई लेते। मुझे तो बस काराबंदी ले जाया गया था और योनी की तरफ ले जाया गया था। अब कहाँ पर बजा रहे थे तुम लोग? अब काराबंदी। काराबंदी कितनी, अब तक इससे पहले कितनी बधाइयां बजा चुके हो? मैंने तो पहली बजाई और एक बस दो बजाई। कितने लोग थे तुम्हारे साथ? चार लोग। कहाँ से चलते हैं आप लोग, कहाँ कहाँ जाते हैं वैसे कुछ? और बस मुझे तो दो बार ले जाया गया, एक काराबंदी और एक योनी की गांव की तरफ, बस उस गांव का नाम नहीं पता है मुझे। अच्छा, आप किन्नर हो या लड़के हो? लड़का हूँ। अच्छा खासा। तो अच्छे गाँव लड़के हो तो लड़के हो तो किन्नर का रूप क्यों रखा, क्या मजबूरी रही? उन्होंने ये कह दिया था कि ये मेरा इलाका है, तू कैसे भी कर खा। नहीं, किसने कह दिया? अंजलि ने। अंजलि कौन है? वो लड़का, मुझे नहीं पता था कि वो छिबरी है। लड़का जो कहती छिबरी हूँ मैं, छिबरी क्या होती है? तो मैंने पूछा था कि लड़का, मैंने की लड़का के बोल रहा अकुआ हूं। आपने किसी के कहने पर ये रूप धारण कर लिया, क्यों कर लिया? अंजलि के कहने पर ही। क्यों कर लिया? कर क्यों लिया? ऐसा था कि मेरी बहन है, एक छोटी यहीं रह रही है, वो उसका लड़का बीमार हो गया था, तो उसके लिए एक बधाई लेने से। क्यों, और कोई काम नहीं मिला इसके अलावा? क्या और कोई काम कर लें? अब कभी करना ही नहीं है काम। नहीं, इससे पहले कभी सोचा नहीं यार, ये इतना जो काम जिनके लिए है उनको करना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज में। आप एक लड़के हो के आप चाहते थे कहीं ना कहीं जाकर मजदूरी भी कर सकते थे, आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं। अरे वो उसकी आज क्लेरिटी हो रही है। अंकुश, वैसे उर्फ क्या लगाता है जी? पंडित। अबे उर्फ मैं अंकुश की जगह कुछ और बन के घूम रहे हो क्या? किस नाम से फेमस हो आप? अंजलि नाम से। उसने ही अंजलि नाम बोला था कि अंजलि नाम रख ले अपना। तो किसने बोला था अंजलि नाम रखने के लिए? जो बूढ़ा है, जो वहाँ का बल्टी गाड़ी वाला। क्या नाम है? कौन है बूढ़ा? बल्टी गाड़ी का छल्ली मास्टर उसे बोलते हैं, उसका नाम दिनेश है वैसे। अच्छा, हाँ। क्या कहता है तुमसे करने के लिए? मुझसे ये बोलता था कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे हिजड़ी नहीं आती। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब तेरा धंधा भी हो जाया करेगा, मेरा भी धंधा हो जाया करेगा। उसने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, जो भी साड़ी ना जाता था उसे अपरखता था, मुझे बस सिर्फ 100-200 रुपए देता था। इस बच्ची को भी 100-200 रुपए देता था। उसमें बच्ची, ये बच्ची है? इस बच्ची बोलता था वो, इसे हम मम्मी पापा, हम पापा कह के बोलते थे, उसे पापा बुलवाता था वो हमसे। अच्छा, उसने बोला तुमसे और तुमने करने के लिए तैयार हो गए तुम इसको? जी, मैं मजबूर थी, मैं गरीब बाप की बच्चा हूँ। क्या मजबूर, कैसी मतलब मजबूरी? अगर तुम जो मेहनत मजदूरी भी कर सकते थे, ऐसी क्या मजबूरी? क्या मेहनत करने में दिक्कत थी? मैं डांस पार्टी में रहा हूँ तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नहीं आती तो कर लूँगा। और एक दिन मुझे गुरु मम्मी मिल गई थी वहाँ पे, तो मैंने उसी दिन से मना कर दिया। उसी दिन से उसने ये लड़ाई उठा दी थी कि नहीं तो तू रहेगा यहाँ पे, मैं रहूँगा। इसलिए मैं उस दिन में यहाँ से भाग गया, करीब कोई 8 दिन हो गए डेरा बंद करके। तो उसने बोला मैं हिजड़ों को बताऊँगा, तू हिजड़ा बन के मांग रहा है तो तुझे पकड़ पाऊँगा, मैं कुछ भी कर लेना पर मैं अब नहीं मांगूंगा। नहीं, तुम अब भी मांगते हो? अभी 4 दिन पहले भी घूम रहे थे तुम? नहीं, मैं नहीं घूमा 3-4 दिन पहले, और आज भी तुमने बधाई मांगी? अभी भी जो दूसरा जो जन्म का हिजड़ा बन सा हमारे साथ है, उसका घर मकान दुकान मुझे मालूम नहीं है, वो बोलता है मैं जन्म का, वो मांग रहा है, मैं 4 दिन से अपने घर पे हूँ, मेरे घर पे। नहीं तो तुम जब हिचड़ नहीं हो, तुम लड़के हो यार, तो क्या तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई इस आई थी मुझे? तो क्या तुम डांस पार्टी करके भी चाहते? तो डांस पार्टी नहीं करके मजदूरी भी कर सकते थे कहीं जाकर।
मैं कर सकता था इस काम को भी, पर उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया। उसने कागज बनवा लिए, बोलता कोर्ट मैरिज करूंगा तुझसे, ये फलाना ढिकाना। किस चीज के कागज बनवा लिए? इजड़ों के कागज बनवा लिए। इजड़ों के कागज हैं तो वोट से किस किस के कागज हैं? और ये बिल्ला उसी ने दिलाया था मुझे, ये बिल्ला उसी ने दिलाया था मुझे, ये नहीं मुझे मालूम। ये बिल्ला है, जो भी इस बिल्ले को आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ। ये बिल्ला उसने बनवाया था, ये बोल रहा था इसको नार में डाल के रखना, तुझे कोई भी इजड़ा टच नहीं करेगा। अच्छा, जहाँ कहीं का भी होगा यहाँ पे मेरी चलती। तूने पूछा उसका गुरु कौन है? मैंने पूछा था कि मतलब तुम इसे कहाँ से बनवा रहे हो, कैसे बनवा रहे हो। दो तीन कागज पे मेरे साइन भी ले गया, झूठ मास्क भी ले गया, हकीकत को ये मुझे नहीं मालूम। उसने ये बिल्ला दिया है मुझे, उसी ने मेरे साइन पेपर लिए। छोटे से लालच के लिए इतना बड़ा कदम उठाने चले गए? मुझे मालूम नहीं थी ऐसा हो जाएगा। बोल रहा था हमारे यहाँ पे नहीं आते, पूरा क्षेत्र ये तेरा हो जाएगा, तेरे नाम बार करा दूंगा, तुझे ऑपरेशन करा के इजड़ा बना दूंगा। तो तुम ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार थे? नहीं, मैं फिर भी राजी नहीं था। तो फिर मैंने क्यों मांग रहे थे? फिर मैंने एक बोल दिया मैं लड़का हूँ, लड़का ही बन के रहूंगा। तो अभी जो पकड़े गए तुम, अभी आप लड़के हो तो आप ये करो, कोर्ट मैरिज कैसे करोगे उसके साथ में? यही बोल रहा था वो। सुनो, मैं आगे बोलती जा रही हूँ, जो भी है मैं आगे बोल रहा हूँ। आप ही नहीं कहा ना आप लड़के हो, फिर आप कोर्ट मैरिज उससे करोगे? मैं टर्न सबसे इसके घर से आ रही थी, तो इसके घर पे आते ही एक लड़की है, कहा ताली मारते हुए मिले इसके घर पर जाते थे आप? हाँ, पहले से आना जाना था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। इसे वो ले गया था, मतलब वो ले गया था टेम्पो करके थे, तो फिर ये हमारे साथ चलता रहा। इसने बोल दिया था पैसे मुझे किसी ने नहीं, ड्रेस चाहिए। क्यों? कि वो जो भी बूढ़ा हमारे साथ, जो भी बूढ़ा है वो देगा पैसे, उसे तय करके लाया था। इसकी कोई गलती नहीं, इसकी भी कोई गलती नहीं, इन दोनों को वही तय करके लाया था। और मुझे भी उसने ही लोभ दिया था इस चीज का कि मैं पैसा तुझे दूंगा जितना भी कमाएंगे। अच्छा, तुम्हारे साथ में लड़की भी तुम लाते थे कहीं से? एक दिन मैं टर्न सबसे आ रहा था, तो इसके साथ तो लड़की बोलती है ताली मार के एक टेम्पो वाले से आ जा, तो उस जो बूढ़ा था हमारे साथ, उसने ये बोला कि मतलब ये क्या करती है तू? कि कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कमाती हूँ, टेम्पुओं से पैसे 10-10 रुपए लेती हूँ। कि अच्छा, कि हमारे साथ चल, हम टोली मांगेंगे, तू सिर्फ खड़ी हो जाया कर, हम तुझे पूरा पेमेंट देंगे, 1500 रुपए 1000 रुपए जो भी होगा। क्या खड़ा होने के पेमेंट देते या इस सब इसलिए लेके जाते थे उसका यूज किया जाता नहीं, था नहीं, कि उसका यूज नहीं लगे कि किन्नर है और तुम लोग जेंट्स हो? नहीं नहीं, उसका यूज कैसा भी नहीं किया गया। वो दो दिन अभी तो बता रहे थे। नहीं नहीं, वो दो दिन हमारे साथ चली थी, दो दिन से तीसरे दिन उसके घर वाले आ गए, तो उसके घर वाले ले गए उसे। जय श्री राधे, मैं बोल रही हूँ मथुरा से, सपना नायक की चेला मियाँ। मैं हमारा इलाका पड़ता है गोकुल, दाऊजी, बैनी, महाबन और इसके अगल बगल के कस्बे और जो के नगले हैं गांव में, उन गांवों में पिछले एक महीने से चार नकली लड़के जो के किन्नर का रूप धारण करके बधाई उगा रहे थे। हमारे यहाँ प्रत्येक साल मेला लगता है दाऊजी के अंदर, ये उस मेले में भी चोरी करके ले गए, पूरा मेला मांग के ले गए। ये अच्छे खासे लड़के हैं, शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे वाले, दिनेश नाम है इनका, और ये लड़कियों वाला रूप धर के फिरते हैं। इनके साथ दो और तीन किन्नर और हैं जिनका नाम सपना बता रहे हैं, अपना नाम, एक का नाम अंजलि बता रहे हैं। और बताइए उनका असली नाम क्या है लड़कों वाला? अंकुश और सूरज। आप ये कितने महीने से हमारे इलाके से मांग रहे हो? एक महीने से होना इनके साथ, अंजलि के साथ महीने से, पर मतलब एक महीने से जान हुए में दो बार इलाका मांग रहा है। देखो ये बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, अभी इनके इतने लंबे लंबे बाल थे, हम लोगों ने काटे इनके साथ, और जो अपना इनको लड़का बना के भेज रहे हैं, हम इनके साथ कोई अन्याय कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं, या हाथापाई या मारपीट या कुछ भी, बस खाली इनके बाल काटे हैं। किस लिए? ताकि ये लड़का बन के अपनी जिंदगी बिताए, शादीशुदा है, एक बच्चे के बाप हैं ये, ठीक है। ये हमारे सब क्षेत्र के किन्नर हैं, हम सभी किन्नर अपने इलाके में अच्छे तरीके से मांगते हैं, हमारे रूल बाय रूल होते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।